हेलो फ्रेंड्स, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या करने वाला कर रहा हूँ किचन में। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, फिजिक्स स्टडी ऑफ रियल फिनोमेना है और इसमें चीज़ें वास्तविकता में घटित होती हैं और आप उन्हें समझ पाते हैं। तो आज की सीरीज में मैं आपको एवरीडे साइंस, हमारी एवरीडे लाइफ की क्या साइंस है वो मैं समझाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं ये गर्म दूध को ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा क्या है, ये जो बर्तन है इसमें जो साइंस छुपा हुआ है, इसे बार बार हम इस बर्तन में डाल रहे हैं या छोटे बर्तन में डाल रहे हैं, तो क्या इसके पीछे फिजिक्स है या क्या हम ठंडा कैसे कर पा रहे हैं। तो देखिए, ये जो गिलास है इसमें एक आप फ्री लेयर देख रहे हैं, दूध का सरफेस इतना फ्री लेयर है। यदि हम ऐसा करते हैं, ये आपका डे टू डे का अनुभव रहा होगा कि आप ऐसा करके दूध ठंडा करते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या फिजिक्स छिपी हुई है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ही हम इसमें डालते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे ही हम इसमें डालेंगे बेसल में, तो ये फ्री लेयर जो आप देख रहे हैं, दूध का फ्री लेयर इसमें बढ़ गया। और एक घटना होती है भौतिकी में जिसको कहते हैं पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा। यदि मैं जो लेयर आप गिलास में देख रहे थे उस परत को बढ़ाने की कोशिश करूं, तो मुझे इसके लिए, लेयर को बढ़ाने के लिए, साइंटिफिक टर्म में कहेंगे कि सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो हमको जो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल यानी इसके मिल्के जो मॉलिक्यूल हैं वो अपना वर्क करते हैं, फ्री लेयर क्रिएट करने के लिए अपना वर्क करेंगे। तो या तो हम गिलास से इस तरह से डालना, या आपने ठंडा करने के लिए ये हिलाने की प्रक्रिया देखिए मैं कर रहा हूँ। तो इसमें भी क्या होता है कि फ्री लेयर बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, बार बार फ्री लेयर के मॉलिक्यूल फ्री लेयर पर आएंगे और उनको वर्क करना पड़ेगा, और देर बाई उसी कारण से वो क्या होंगे, अपनी एनर्जी खो देते हैं, अपनी ऊर्जा खो करके ठंडे हो जाते हैं, एक फिनोमिना ये है। साथ ही साथ जैसे ही आप फ्री लेयर बढ़ाएंगे, तो दूसरी स्थिति यह है कि हमारे जो एयर के मॉलिक्यूल कांटेक्ट में है उसके साथ इसका कन्वेक्शन है, क्योंकि दूध गर्म है और एयर के मॉलिक्यूल के साथ वो कन्वेक्शन कर पाएंगे, लेकिन कन्वेक्शन की रेट भी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया है। तो कन्वेक्शन साथ ही साथ ऊर्जा का जो लॉस है, या ऊष्मा या हीट का जो लॉस हो रहा है हमारा, वो एक थर्ड मोड होता है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। तो जैसे आप इसका सरफेस बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पृष्ठ बढ़ गया है, तो पृष्ठ के बढ़ने से हमारा एनर्जी का लॉस बढ़ जाता है, इस कारण से दूध में क्या होगी, ठंडक आ जाती है। तो यहाँ तीन घटनाएं हो रही हैं, यानी इसमें से इसमें ले जाने पर दूध की फ्री लेयर क्रिएट करना जिससे कि पृष्ठ ऊर्जा ज़्यादा करनी पड़ेगी, मॉलिक्यूल पृष्ठ पर आएंगे, सरफेस पे आएंगे। तो टू क्रिएट न्यू फ्री लेयर मॉलिक्यूल विल वर्क, देयर फोर दे विल लूज देयर एनर्जी और दूध ठंडा हो जाता है। उसी तरह से हमारा कन्वेक्शन बढ़ जाता है, साथ ही साथ रेडिएशन भी बढ़ जाता है, इस वजह से दूध ठंडा हो जाता है। तो मुझे यकीन है दोस्तों, ये हम एवरीडे लाइफ में करते हैं लेकिन इसके पीछे छुपी हुई साइंस को नहीं जानते हैं। तो यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको और बच्चों को छोटी छोटी वैज्ञानिक घटनाएं जो कि एवरीडे लाइफ में छुपी हुई हैं वो भी मैं अपने चैनल में दिखाने की कोशिश करूंगा, और उनके पीछे छुपी हुई फिजिक्स बताऊंगा क्या है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आएगा। आगे फिर मैं ऐसी फिजिकल इवेंट आपको समझाऊंगा। और आपने चैनल, यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, वीडियोज़ को देखिए और वीडियोज़ को पूरा पूरा देखिए, जिससे कि फिजिक्स को एवरीडे लाइफ में कैसे हम यूज़ में लेते हैं, या फिर हम जो घटनाएं नॉर्मली हो रही होती हैं लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पा रहे होते, तो उसके पीछे क्या साइंस छुपी है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।